खरगोन जिले के टांडा बुरुक क्षेत्र में इन दिनों ग्राम की सफाई की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। गाँव में तैनात सफाईकर्मी, ग्राम प्रधान श्रीमती रोशनी मोरे और सचिव काम के प्रति रुचि नहीं ले रहे हैं, जिससे क्षेत्र में गंदगी का अंबार लग गया है। वहीं प्रधानमंत्री जी का स्वच्छ भारत मिशन गाँव में दम तोड़ रहा है, जिससे अब गाँव के लोगों को संक्रामक रोगों का खतरा भी सताने लगा है। शिवालय घाट मंदिर के पास आश्रम मार्ग नदी में सफाई और पानी की निकासी नहीं होने से गांव की नालियों का गंदा पानी आकर इकट्ठा हो जाता है। इस कारण नदी के पानी में से भी दुर्गंध आ रही है। डेंगू के मच्छर और संक्रामक बीमारियां भी फैल रही है, जिससे रवासी आए दिन बीमार हो रहे हैं। गंदगी से परेशान ग्रामीण सरपंच श्रीमती रोशनी मोरे के कार्यकाल से दुखी नजर आए ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि चुनाव के समय सरपंच पद के प्रत्याशी थे, तब बड़े बड़े वादे किए गांव के विकास के लिए एवं स्वच्छता के लिए, लेकिन सरपंच बनने के बाद अपने वादों से मुकरते हुए नजर आए। ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत सफाई पर ध्यान दे और रहवासियों को गंदगी से मुक्ति दिलाए। बरूड से रामेश्वर कुमरावत की रिपोर्ट। आश्रम मार्ग पर गंदगी और इस गंदगी से क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, इस संबंध में क्या कहना आपका? देखो भाई साहब, मैं मीडिया के माध्यम से आज आप सबको बता देना चाहता हूँ कि ये गुरुद्वारे मार्ग पर पंचायत द्वारा 24 लाख का पुल स्वीकृत किया था और सीसी रोड 24 लाख का, उसका काम का नतीजा ये है कि आज शिव मंदिर, श्री राम मंदिर, गुरुद्वारा मार्ग, कुमरावत धर्मशाला, इसके सामने कचरे का अंबार खड़ा हुआ है। इतनी गंदगी है कि यहाँ से व्यक्ति निकलने में भी परेशान हो रहा है, सब अपने मुंह ढक ढक के जा रहे हैं। ये पंचायत की कंडीशन है और पंचायत का इधर कोई भी ध्यान नहीं। जब ये पुल का ठेका हुआ तो उस समय में कहा था कि नदी का घेरीकरण करके नाले को बाहर कर दिया जाएगा, तो आज ये स्थिति पैदा हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा गुरुचरण भार्गव, सदगुरुद्वार व्यवस्थापक। ये गंदगी को लेके आपकी क्या क्या समस्या है और गंदगी से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, क्या कहना है इस संबंध में आपका? गंदगी के लिए तो गंभीर समस्याएं हो रही है, बहुत गंभीर समस्या है, जिसमें मतलब ये एक नाला है, नाला पंचायत द्वारा बनाया गया है, जिससे मतलब गंदगी हो रही है, उसका पानी का कोई निराकरण नहीं है। सामने सदगुरु द्वार है, आश्रम, शिवालय घाट है, कुमरावत धर्मशाला है और राम मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो रहा है और अभी 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में उसका उद्घाटन है, तो पंचायत का कोई ध्यान नहीं है। उससे गंदगी, बीमारियां, मच्छर, बच्चों के लिए मतलब बीमारियां हो रही है, मलेरिया जैसे मतलब कई बीमारियां उत्पन्न हो रही है और ये नदी में कोई ध्यान नहीं है पंचायत का द्वारा, ना गांव में ध्यान है, ना किसी और चीज़ में, सिर्फ खाना, पैसे खाना, इधर उधर करना, लफड़ेबाजी चल रहे हैं पंचायत के द्वारा और यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहे। रोडों की समस्या गाँव में देखी जाए तो रोडों में भी मतलब गंदगी है और शिवालय घाट में मतलब एक माननीय मंदिर है शिवालय घाट बरुड़ का, जिस वही दूर से श्रद्धालु आते हैं और यहाँ आसपास की गंदगी है बहुत सी और गंदगी का कोई ध्यान नहीं दे रहे पंचायत। तो आपको दिखाना चाहते हैं हम कि बहुत गंदगी है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? गणेश कुमरावत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।